यीशु की जय। आज हम वचन सुनेंगे प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 22 से 47 तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन दूसरा अध्याय। हे इसराइलियो, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयो, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान है। सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ हम देख सकते हैं पेंतेकोस्ते के दिनों में सब प्रेरित लोग सब इकट्ठे हुए, वहाँ पवित्र आत्मा उतर के आया। तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से लोग भरपूरी होते हुए अन्य अन्य भाषा में वो लोग बोलने लगे। तब सब अड़ोस पड़ोस में सब लोग इसराइल लोग सब आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है करके सब लोग आश्चर्य रीति से देख रहे थे। तब पत्रस उन लोगों को बीच में खड़ा होकर ये कहने लगा, ये इसराइल लोग मेरे बातों सुन लो करके बता रहा है,
नसरी यीशु को पिता ने आप लोगों के सामने अद्भुत कामों के द्वारा, आश्चर्य कामों के द्वारा प्रकट किया गया है। आप लोग फिर भी आप लोग उसको स्वीकार नहीं किया है। ये सब उसको क्रूस पर आप लोग ने मारा गया है, अधर्मियों के हाथों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया है, मार डाला है। ये सब पहले से ही ठहरी हुई योजना के द्वारा और पूर्व ज्ञान के अनुसार ये सब बात हुआ है। मृत्यु का फंदों से भी परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, जिलाकर उसको छुड़ाकर आज वो जिंदा किया है। आज भी यीशु जिंदा है करके वो बता रहा है यीशु के बारे में, मृत्यु के बारे में, एक एक बातों को वहाँ पत्रस ने लोगों को समझाया। केवल ये भी नहीं है, वो बता रहा है ये सब पहले होने वाला था करके, जैसा पुराना नियम में जैसा लोग कैसे उनके बारे में भविष्यवाणी बताया गया है करके, उसको भी यहाँ बताते हुए हम देख सकते हैं। वो बता रहा है दाऊद राजा ने कैसा कैसा यीशु के बारे में, उनका मृत्यु के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में कैसा भविष्यवाणी बताया है करके पत्रस ने यहाँ बोलते हुए हम देख सकते हैं। जैसा भजन संहिता 16 में, भजन संहिता 132 में, भजन संहिता 110 में इस वचनों को हम देख सकते हैं। यहाँ अभी हम 26 से 36 तक जो जो वचन वो बता रहा है ये सब भविष्यवाणी का वचन है, यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के द्वारे में। जैसा दाऊद राजा ने भविष्यवाणी बताया गया है उसको पत्रस ने यहाँ बता रहा है। ये सब उनके यीशु मसीह के बारे में पहले से ही बताया गया भविष्यवाणी है करके वहाँ बताते समय सब लोगों के अंदर ये बातों को सब सुन बोल रहा है। बोलते हुए ये सब भविष्यवाणी किया गया है उसके लिए हम भी अभी गवाह है। अभी यीशु मसीह वही यीशु मसीह मर गया है, जिंदा हो गया है, अभी वो जिंदा है करके अभी हम उसके लिए हम आंख से देखा हुआ गवाह है करके पत्रस ने बताया। तब लोगों के अंदर एक मनचित हृदय के अंदर एक चित गया, ये कैसे ही है, अभी हम क्या किया है करके उनके अंदर मन हृदय के अंदर एक मन टूट गया है, मन के अंदर एक महसूस आया है अभी हम क्या करेंगे करके वहाँ प्रेरित लोगों से पत्रस से वो लोग पूछ रहे थे। अभी हम भाई लोग अभी हम क्या करना है करके, तभी पत्रस ने वहाँ बता रहा है अभी आप माफ़ी मांगना है, अभी आप क्या करना है, मन फिरना है, माफ़ी मांगना है, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, उसके बाद ये पवित्र आत्मा का वरदान आपके ऊपर भी उंडेला जाएगा करके वहाँ पत्रस ने बताया। तभी लोग ने क्या किया, उनको बातों को आनंद से स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 लोग वहाँ उन लोगों के साथ जुड़ गया है करके हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए उसके बाद देखिए पवित्र उन प्रेरित लोगों के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार वहाँ होते हुए हम देख सकते हैं। सब लोगों के अंदर एकता, सब लोग मिलके प्रार्थना करना, सब लोग मिलके स्तुति करना, सब इतने ऐसे एकता के साथ उन लोग रहते थे। तब लोग डरते थे, इन लोग इतना मिलके रहते थे, इन लोगों के द्वारा बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हो रहा है करके लोग सब डरे हुए थे। इसलिए उसके बाद हम देख सकते हैं उन हर दिन कलिशिया में लोग मिलते गया, मतलब जुड़ते गया, लोग आते रहा, पवित्र आत्मा का सामर्थ को इस जगह में हम देख सकते हैं। देखिए एक एक समय होता है, वैसे अभी हम जो रहते हैं ये समय
पवित्र आत्मा का समय में हम भी अभी रहते हैं, जैसा उस समय प्रेरितों को दिनों में हुआ है। अद्भुत काम, यह अद्भुत काम सामर्थ अभी हमारे द्वारा हमारा कलिशिया के अंदर भी हमारा हरेक विश्वासी भाई बहन के द्वारा भी करने के लिए पवित्र आत्मा आज उत्साहिक रीति से आज रहता है। जो लोग हम जगा देंगे उनके अंदर पवित्र आत्मा ये बड़ा कार्य को कर सकता है। जो कलिशिया उनके लिए दरवाजा खोल के देंगे उनके अंदर ये पवित्र आत्मा बड़ा कार्य को कर सकता है। पवित्र आत्मा वहां उतर के आएगा तो वहां देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। साधारण मनुष्य इंसान पत्रस था, वो एक सादा पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं है, वो एक मछली पकड़ने वाला था, वो इंसान के द्वारा भी कितना अद्भुत काम, पुराना नियम को भविष्यवाणी को वो बता रहा है, वो अपने गवाही को बताने के लिए उसको हिम्मत आया है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह को जिंदा रहने का समय उनको पकड़ के लोग लेके जाने का समय उस कितना डरता था। मैं उनके साथ रहा करके बोलने के लिए एक डरा हुआ आदमी आज पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आया। अभी एक एक वचनों को कितना हिम्मत के साथ एक एक भविष्यवाणी को वो बता रहा है। दाऊद के द्वारा ऐसे भविष्यवाणी बताया, जोएल के द्वारा ये भविष्यवाणी बताया गया है करके एक एक भविष्यवाणी को हिम्मत के साथ उन लोगों को सामने वो बताते हुए हम देख सकते हैं। क्योंकि यहूदी लोग सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अपने वो व्यवस्था को ऐसे ही पालन करने वाला है, ऐसी व्यवस्था है, हम ऐसे ये जानते वो जानते, ऐसे ही लोगों को सामने इतना अच्छी रीति से ये भविष्यवाणी उनके द्वारा लिखा गया है, ये जोएल के द्वारा दाऊद के द्वारा ऐसे ऐसे भविष्यवाणी बताया गया है करके दाऊद पत्रस ने इतना हिम्मत के साथ उनके सामने बता रहा है करके हम यहाँ देख सकते हैं। ये हिम्मत मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, ज्ञान मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है वो कितना मूर्ख भी हो सकता है, कितना डरपोक भी हो सकता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके अंदर आ जाता है, वो पवित्र ज्ञान उनके लिए मिल जाता है, स्वर्गीय ज्ञान उनके लिए मिल जाता है, स्वर्गीय सामर्थ उनके लिए मिल जाता है, वो उठकर खड़े होकर गवाही को बताने के लिए हिम्मत वो स्वर्गीय की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हुए हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं सब लोग इधर उधर मतलब सब लोगों के अंदर एक एकता को हम देख सकते हैं। कितना प्रेमी है, देखिए प्रेम का पवित्र आत्मा जहाँ आता है वहाँ प्रेम का सामर्थ्य भी कार्य करता है। जैसा हम रोमियो 5 में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा हृदय में उंडेला गया है करके हम वचनों को हम देखते हैं। वैसे ही आज हमारा हृदय के अंदर पवित्र आत्मा उतर के आने के द्वारा हम अभी क्या कर सकते हैं, हमारा कलिशिया के अंदर हम अलग अलग भाषा, अलग अलग परिवार, अलग अलग देश के लोग भी होंगे तो भी हम पवित्र आत्मा के हमारे अंदर पाने का द्वारा उनके वजह से, उनके सामर्थ्य का वजह से हम उन लोगों से प्रेम से हम मिलजुल के हम रह सकते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है, अभी उसी प्रेम से हम प्रेम का सामर्थ्य से हम रह सकते हैं। पवित्र आत्मा एक प्रेम का सामर्थ्य को वहां लेके आता है। अब वैसे हम देख सकते हैं उसके बाद उन लोगों के द्वारा चिन्ह चमत्कार वहां होता है। उन लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद सब लोग प्रार्थना में, प्रेम में, ये लोग मिलजुल के
रहते थे एकता के साथ, एकता में लोग आगे है, एकता में लोग बहुत हिम्मत के साथ मिलके रहते थे, तब वहां क्या होता है, अद्भुत काम प्रकट होता है। एकता में हम रहने का समय पवित्र आत्मा बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार कार्य कर सकता है हमारा कलीसिया के अंदर भी, हमारे अंदर भी। आज ये एकता को जो भी बिगाड़ के रखा है वो शैतान के ऊपर आज हम जय पाना है। ये पवित्र आत्मा दुख के साथ हमारे अंदर बैठना नहीं है, पवित्र आत्मा को हम सामर्थ से हम कार्य करने के लिए हम जगह देना है। अभी पवित्र आत्मा का समय में अभी हम आ चुका है मेरे प्रिय भाई बहन। आज हम भी ये पवित्र आत्मा को आज जो भी लोग नहीं पाया है, आज आप लोग मन फिर कर आज आप बपतिस्मा लीजिए यीशु के नाम से, उसके बाद ये पवित्र आत्मा का वरदान आपके लिए भी वो दिया जाएगा। तब ये पवित्र आत्मा का वरदान आपको जिसको माफ नहीं कर सकता है वो माफ करेंगे, जिसको ऊपर आप प्रेम नहीं कर सकता है प्रेम करने के लिए सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। आपका ज्ञान के कमी हो सकता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय ज्ञान आपके लिए मिलेगा। ये वचनों को वचन का एक एक ज्ञान, वचन का यीशु मसीह के बारे में जो आपको जानना है ये पवित्र आत्मा में बताएगा, ये पवित्र आत्मा में सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा आएगा प्रार्थना करने के लिए। आज जो भी भाई बहन आप बोल सकते हैं मेरे प्रार्थना में नहीं कर पा रहे करके, पवित्र आत्मा का निर्भर में आप होंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप बहुत समय आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके साथ मिलकर, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर आप प्रार्थना करने वाला बन जाएंगे। तभी देखिए वहां वो लोग स्तुति करते हुए एकता के साथ लोग मिलजुल के रहते हुए को देखते हुए लोग डरते हैं। लोग हर दिन आते रहते हैं कलीसिया में, आते हुए आते आते हर दिन जुड़ते जा रहे लोग। वैसे ही आज हमारा इसी समय पवित्र आत्मा का समय है, इसी समय में भी हम भी पवित्र आत्मा के लिए जगह देंगे, हमारे द्वारा भी परमेश्वर ऐसे बड़ा कार्य को करने के लिए तैयार है। ऐसे जागृति ऐसे जिलावट आज मेरे अंदर, कलीसिया के हर एक भाई बहन के अंदर, सुनने वाला हर एक भाई बहन के अंदर भी हो सकता है। आज आप पवित्र आत्मा के लिए जगह दीजिए, अभी चिन्ह चमत्कार होने का समय आ चुका है। अभी कलीसिया में लोग ऐसे ही दौड़ के आएंगे, मैं अभी क्या करना है मुझे बताइए, अभी हम क्या करना है करके लोग ढूंढ के आने का समय में अभी कलीसिया आ चुका है। अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरा हुआ कलीसिया रहेगा, लोग हमारे कलीसिया में भी, हर एक भाई बहन जो जो लोग आप सुन रहे आपके पास लोग आके पूछने लगेंगे हम क्या करना है, अभी हम इसी बंधन से हम छुटकारा पाने के लिए हम क्या करना है करके आपसे आके पूछेंगे, योजना मांगेंगे, सलाह मांगेंगे। तब आप बोल सकते यीशु के नाम से आप पाप क्षमा पा लो, यीशु के नाम से आप बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का सामर्थ वरदान को आपका जीवन में आप अनुभव करो करके हम बता सकता है। आज अभी पवित्र आत्मा के लिए हम जगह देंगे, हमारा जीवन में भी बड़ा चमत्कार हो सकता है। यीशु के नाम को महिमा हो, आमीन। यीशु की जय। आज हम वचन सुनेंगे, नीति वचन 14:5-14 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 14। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना है। मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों का घर विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में
आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं नीति वचन 14:10 में मन अपना ही दुख जानता है और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता है करके। हम दुनिया में हम देख सकते हैं बहुत लोग दुख में, उदास में, एक प्रेशर में रहते हुए हम देख सकते हैं। तब उनसे जाके आप पूछिए, लोग बोलेंगे बहुत समय हमारा मन का दुख को हम भी बोलते हैं, बहुत समय हम भी बोले दुख का, दूसरे लोगों को हम कारण बताते हैं, ये इन्होंने ऐसा किया है, मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया है, मेरे पति ने, मेरे बच्चे लोग ने ऐसा कर दिया है, इनको इनका वजह से मेरा ऐसे दुख है करके हम दूसरे को ही बोलते हैं, हमको कारण वहाँ नहीं बताते हैं, दूसरे को पर हम दोष लगाते हैं। लेकिन ये नहीं है, बहुत समय हमारा दुख को कारण हम ही होते हैं, हम जानते हैं, हमारा मन जानता है दुख के लिए या आनंद के लिए कौन कारण है करके हमारा मन ही जानता है। इसलिए देखिए, हम ये नहीं कहना चाहिए मृत्यु का, जीवन का चुनने का अधिकार परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है। वैसे ही दुख में रहना, आनंद में रहना, अधिकार आप आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया, आप चुन सकते हैं। बहुत समय देखिए, कोई बहुत लोग दुख में भी आनंद से रहते हुए हम देख सकते हैं, बहुत लोग आनंद सब जगह पे आनंद के भरपूर ही रहते हुए भी दुख में उन लोग रहते हुए हम देख सकते हैं। इनके कौन दूसरे को थोड़ी कारण होंगे, उनका मन उन्हीं वही कारण है। इसलिए हम हमेशा क्या करना चाहिए, दुख खड़वावट हमारा हृदय का दरवाजा को खटखटाने के लिए आने का समय वो तो आएगा जरूर। दुनिया में हम गिरा हुआ दुनिया में हम रहते हैं, हमको जरूर जैसा यीशु ने बताया, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है करके, वैसे ही हमारा हृदय का द्वार में दरवाजा पर वो आके खटखटाने का समय हम उसके लिए द्वार खोलकर अपने हृदय का कमरा में जगह दे देंगे, वो जरूर वो दुख आपका हृदय को पूरा वो राज्य करने लगता है, आपका आनंद को चुरा लेता है, आपका शरीर में भी वो प्रकट होने लगता है। लेकिन आप दुख में भी आनंद से रहने के लिए आप निर्णय लेंगे, निर्णय लेना आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है। जैसा हम नया नियम में हम देख सकते हैं, पौलस और सिलास को देख सकते हैं, उन लोग ने देखिए दुख का समय में भी कितने आनंद गीत वो लोग गाते हैं, दोनों हाथ पैर सब बांधा गया है उसी अवस्था में उन लोग ये नहीं बोला हमारा दुख के लिए यही लोग कारण है, इन लोगों के लिए हम अच्छा सेवकाई करने के लिए आया, इन लोगों का वजह से ऐसे हो गया करके उन लोग वहां नहीं बताया। उन लोग वहां भी अपने अंदर वो लोग निर्णय ले रहे आनंद से रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर था, इसलिए उसी भरपूरी में उन लोग जय का गीत, आनंद का गीत वहां गा रहे, उन लोग आनंद का वो उत्सव मनाते हुए हम देख सकते हैं। वैसे आज हम भी आनंद का सामर्थ्य से भरपूरी से रहने का निर्णय हम लेना चाहिए। वैसे मनुष्य लोगों को जो ठीक ठाक जो दिख रहा है वो रास्ता का अंत मृत्यु होता है, हमको हर समय हम परमेश्वर से सलाह मांगना चाहिए, हम प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का योजना को, पवित्र आत्मा को अगुवाई को अनुसार हम चलते रहेंगे, हमारा मार्ग एक जीवन रहता है, वैसे हमारा मार्ग में शांति मिलता है, हमारा मार्ग हमारा विचार बहुत समय देखिए हमारे बारे में परमेश्वर ने जो योजना है विचार है बहुत ऊंचा है बड़ा है, हमारा विचार उनका विचार नहीं है, हमारा मार्ग उनका मार्ग नहीं है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है वैसे ही है। इसीलिए हम हर समय हम परमेश्वर का ये
अगुवाई मांगे, पवित्र आत्मा आप मुझे चलाइए आपका वचन के अनुसार, हर परिस्थिति में हर घड़ी में निर्णय लेने के लिए हम पवित्र आत्मा के अनुसार हम निर्णय लेंगे। हमारा जीवन, हमारा मार्ग एक जीवनदायक रहता है, उसमें शांति मिलता है, उसमें आनंद रहता है। इसलिए आज हम पवित्र आत्मा का भरपूरी को अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे, आनंद से रहने के लिए हम निर्णय लेंगे। दुख के लिए हम दूसरे को कारण नहीं बताना है, हम ही अपने हृदय को जानते हैं, हम अपने हृदय का अधिकारी है। हम निर्णय लेने के लिए आज से पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, आज प्रभु ये वचन के द्वारा हमारे हृदय में आप बात किया है, धन्यवाद प्रभु। हर एक दिल के अंदर जो भी दुख है, दबाव है, कड़वावट है, सब दूर कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा में सामर्थ्य दिया है माफी करने के लिए, प्रेम करने के लिए। नया नियम का विश्वासी भाई बहन का अंदर आपने दिया हुआ ये पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु। इनका सामर्थ्य हर परिस्थितियों में हम जय पाने के लिए, हम स्तुति करने के लिए हर एक भाई बहन को आप सहायता कर प्रभु। हालेलुया, आपका ज्ञान, आपका सामर्थ्य हमारे हर एक के अंदर प्रकट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन।